दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। दोस्तों आज लेके आया हूं हिस्ट्री से विभिन्न धर्मों के विषय में। मैं इसके पहले दो तीन धर्मों के विषय में पढ़ा चुका हूं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और सिख धर्म के विषय में पढ़ा चुका हूं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के विषय में, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। कहां पे? मक्का में हुआ था। यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहां देखिए, मैंने इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब, ठीक है, के बारे में बता रहे हैं। या इनका जन्म हुआ था, एक कबीला होता था मक्का में, उस कबीले में जनजातियां होती थीं, उन जनजातियों में हमेशा जो है आपस में युद्ध होते रहते थे, हमेशा युद्ध होते रहते थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ और जब बड़े हुए, तो उन्हीं जनजातियों को एक करने के लिए या बहुत सारे प्रयत्न किए, तो उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। यहां देखिए, इनका छोटा सा परिचय देख लीजिए कि इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहां पे? 570 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? मक्का में हुआ था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर पूछ दे किस जनजाति में हुआ था, तो कुरैसी जनजाति में हुआ था। इनका जन्म जो था, वहां की जनजाति का नाम था कुरैसी जनजाति। और इनके बाबा थे हाशिम, हाशिम के पुत्र थे अब्दुल्ला, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अगर पूछ दे तो अब्दुल्ला, और माता का नाम पूछ दे तो अमीना। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, कुरैसी जनजाति में हुआ था। इनके दादा थे, यानी इनके पिता के पिता थे हाशिम के पुत्र अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला ही हजरत मोहम्मद साहब के पिता थे, और इनके माता का नाम अमीना था। 25 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हुआ था, किससे? खजीदा नामक औरत से शादी हुआ था। वह 41 वर्ष की विधवा औरत से शादी हुआ था। और जब 41 वर्ष की विधवा औरत से शादी हुआ, तब इनका उम्र था कितना? 25 वर्ष था। इनके एक पुत्री हुई थी फातिमा, और फातिमा का जो हस्बैंड था, यानी हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, उनका नाम था अली। और इस फातिमा की फातिमा का एक पुत्र पैदा हुआ अली का, जिसका नाम है हुसैन। ठीक है, याद रखिएगा, अली हुसैन लोग बोल देते हैं, हुसैन जो है अली के पुत्र हैं, यानी हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम था अली, और अली के पुत्र थे, यानी फातिमा का एक पुत्र था जिसका नाम था हुसैन। इनकी मृत्यु हो गया था 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? मदीना में। ठीक है, या मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं, और मक्का छोड़ के मदीना जाना ही इस्लाम धर्म में हिजरत कहलाता है, आगे मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे इनके अली की भी, इनके यानी जब ये मर जाते हैं तो इनका उत्तराधिकारी जो लोग होते हैं ना, उनको खलीफा कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। तो इनके दामाद को बैठाया गया, और इनके दामाद की मृत्यु हो गया था 661 ईस्वी में, और इनके पुत्र अली के जो पुत्र थे हुसैन, इनकी भी मृत्यु हो गया 680 ईस्वी में। और यहां पे यह धर्म जो था, इस्लाम धर्म जो था, वो दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी धर्म के लोग थे, वो हजरत मोहम्मद साहब के जो धार्मिक संदेश थे, जो ज्ञान थे, यानी उनके आदर्शों को मानने वाले लोग थे। और शिया धर्म के लोग जो हैं, वो अली यानी उनके दामाद जो थे, उनके आदर्शों को मानने वाले थे। और यहीं से जिस प्रकार से जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बटा था, बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटा था, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में बट गया। ये दोनों लोग
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनको मानने वाले लोग शिया धर्म के मानने लगे और सुन्नी वाले हजरत मोहम्मद साहब को आदर्शों को मानते थे। इसीलिए दोनों लोगों में हमेशा जो है द्वंद्व चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इनके शिक्षा के बारे में, जानते हैं कि इनका क्या है। देखो प्रमुख धर्म ग्रंथ इनका है क्या क्या, कुरान। कुरान जो, एक चीज ध्यान रखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ये पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अनुयायियों ने ये चीज, वो जाते थे एक गुफा में, एक फरिश्ता था जिब्राइल, एक गुफा था, ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था 610 ईस्वी में, कहां पे, मक्का में हीरा नामक गुफा में हुआ था। ये जाते थे तो जिब्राइल जो फरिश्ता थे वो ईश्वर का संदेश लेके आते थे, और जब ये गुफा से आते थे तो अपने अनुयायियों को बताते थे, और उनमें अनुयायियों ने उसको जो है लिखने का काम शुरू किया। तो प्रमुख धर्म ग्रंथ है कुरान। कुरान का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में गीता जो है भगवान कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, रामायण है, महाभारत है, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसी प्रकार से कुरान जो है, कुरान का हिंदी अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश, यानी ईश्वर का आदेश क्या हुआ है। इस्लाम धर्म में कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ उनका माना जाता है। हदीसे कुदसी यानी ईश्वरीय शिक्षा, यानी ईश्वर ने क्या क्या शिक्षा दिया था उसके विषय में है। हदीस यानी पैगंबर की शिक्षाएं, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की क्या शिक्षाएं हैं, क्या चीजें हैं, वो हदीस में लिखा गया है। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और इस्लाम धर्म में सुन लीजिए, एक शब्द आता है हिजरत। हिजरत का मतलब ये है हजरत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना चले जाना, और मदीना में ही जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मक्का से मदीना चले जाना इस्लाम धर्म में हिजरत कहलाता है। क्या कहलाता है, हिजरत कहलाता है। यानी यह हिजरत जो है इस्लाम धर्म के प्रत्येक व्यक्तियों को माना जाता है कि एक बार मक्का की अगर मदीना की यात्रा कर लेते तो उनका जीवन जो है सार्थक हो जाता है। 28 जून 622 ईस्वी में यह हिजरी संवत चला था, यानी इसी दिन 28 जून 622 ईस्वी को यह मक्का से मदीना चले जाते हैं, और इसी दिन को हिजरत संवत चलता है, अर्थात कैलेंडर जारी होता है। इस प्रकार से अगर पूछ दे इस्लाम धर्म में कौन सा संवत चलता है, हिजरी संवत चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि 28 जून 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं, इसीलिए उस दिन हिजरी संवत चला था। आगे इस्लाम धर्म में नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की परंपरा है, और नमाज हमेशा लोग पश्चिम दिशा में मुख करके, पश्चिम में ही अरब कंट्री है, उधर मुख करके लोग अल्लाह को याद करते हैं। और जकात, जकात का मतलब होता है दान करना, यानी जितना कमाए हैं उसके 1/10, 1/10, यानी कि अगर आपने 10 रुपया कमाया है तो 1 रुपया गरीब और मजलूमों को दान करना है। ठीक है, इसी को, जकात को हम जिहाद भी कहते हैं। जिहाद का अर्थ अलग हो गया है अब, जिहाद का मतलब होता है कमजोर और मजलूम लोगों की सहायता करना, जिहाद कहलाता है। हज, हज का मतलब यही जो हिजरत होता है इसको हज कहते हैं, यानी मक्का मदीना में जाना और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जहां दफनाए गए हैं वहां पे जो है उनको दर्शन करना, ये हज कहलाता है। ठीक है, रमजान यानी जिस महीने में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, पूरे 1 महीने इस्लाम धर्म के लोग रमजान रखते हैं, यानी भूखे रहते हैं, रोजा रहते हैं, और जिस दिन उनका जन्म होता है उसी दिन रोजा तोड़ते हैं। ईद, ईद यानी ईद, ए मिलाद उन नबी, उस दिन इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार मनाया जाता है ईद, जहां पे भाईचारे का संदेश होता है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। और इस्लाम धर्म का ये टॉपिक जो है मैं यहाँ पे खत्म करता हूं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब से जुड़े जो भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर के नहीं आएंगे। और आगे मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धर्मों के खिलाफ हमारे जो राजनैतिक दल हैं और बहुत सारे ऐसे जो बेहूदे और कमीने टाइप के लोग हैं, वो इस्लाम धर्म में भी कमीने टाइप के लोग हैं, हिंदू धर्म में भी कमीने टाइप के लोग हैं, हर धर्म में 1% एकदम कमीने टाइप के लोग हैं, बेहूदे टाइप के लोग हैं, और वो 1% के चलते पूरे कौम को गाली सुननी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बाद खत्म करता हूं, आगे मैं अपनी बात रखता हूं कि अगर मान लीजिए कोई मंदिर है और कोई मस्जिद है,
अब यहां भारत के लोगों को लड़ाना बहुत आसान काम है, इतने लोग भावुक होते हैं ना कि धर्म के नाम पे तुरंत तलवार निकल जाती है। आप मान लीजिए कि एक कोई बेहुदा आदमी जो 1% है, रात को उसने गाय काटा और ले जाके मंदिर में एक टुकड़ा फेंक दिया, और कोई अगर क्या बोलते हैं हिंदू धर्म का बेहुदा है, उसने एक सुअर काटा और ले जाके जो है उसको मस्जिद में फेंक दिया, अगली सुबह उठते हिंदू मुस्लिम तलवार लेके कत्लेआम मचा देते हैं, एक मिनट ये नहीं सोचते हैं, एक मिनट ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसी एक आदमी की गलती है, और एक आदमी की गलती के वजह से पूरा कौम कत्लेआम मच जाता है। तो यहां मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहां भारत देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, सिख धर्म के हों, जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, सभी धर्मों का एक गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ते में जब सारे फूल खिले रहते हैं तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। अब किसी एक ही बाग में चले जाइए, केवल एक ही प्रकार के फूल हो, पूरे बाग घूमते चले जाए तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो भारत विभिन्न धर्मों की जननी मानी जाती है, विभिन्न धर्मों का यहाँ लोग आपस में रहते हैं, और यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो दोगले टाइप के लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि बाबर के गलती की सजा आज के मुसलमानों से लिया जाता है, और मनुस्मृति के गलती की सजा आज के ब्राह्मणों से लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय पे कुछ ना कुछ लोग गलत हुए हैं, तो उसको सुधार के लिए भी कुछ ना कुछ लोग सामने आए हैं। और हजरत मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया है, कुरान कभी पढ़ के देखिए, कुरान किसी ने पढ़ा नहीं और कुरान पे गाली देना सबने शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म के लोगों ने कभी वेद पढ़ा नहीं, कभी भगवद गीता पढ़ा नहीं और भगवद गीता पे गाली देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों की इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, और भारत में सभी धर्मों का बराबर सम्मान मिले। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।